स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सपर फिटनेस में। डीडी फिटनेस की ये ऑक्शन जो है वो अभी जारी है और हमारे लिए दो स्लॉट्स अभी भी खाली हैं। इन दो स्लॉट्स को लेकर कौन कौन से जो चैनल से वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी को मिलने वाली है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल सपर फिटनेस पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ दिखाई गए दिख रहा होगा एक बगल में घंटा, उसको भी दबा लीजिएगा, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को प्राप्त हो। तो डीडी फिटनेस का जो MPG 2 सेट टॉप बॉक्स के लिए किया जाने वाला 73वां ऑक्शन एवं MPEG 4 सेट टॉप बॉक्स के लिए किए जाने वाला 74वां ऑक्शन, ये दोनों साथ ही किए जा रहे हैं। इन दोनों का जो डेट है, ये ऑक्शन की शुरुआत की डेट 26/10/2023 थी और डीडी फिटनेस के प्लेटफॉर्म पर अभी तक कोई भी नया चैनल की जो अनाउंसमेंट है वो नहीं किए गए। जो भी चैनल जीतेंगे डीडी फिटनेस के प्लेटफॉर्म पर वह 1 नवंबर से डीडी फिटनेस पर देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आखिर में डीडी फिटनेस के प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से चैनल्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं और कौन कौन से चैनल्स अभी तक पार्टिसिपेट किया है और कौन कौन चैनल्स आने की उम्मीद है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करना चाहूँगा डीडी फिटनेस के प्लेटफॉर्म पर नज़र डालते हैं, एक बार चलते हैं MPG 4 सेट बॉक्स में कुछ महीने पहले। जी हाँ, कुछ महीने पहले MPG 4 सेट बॉक्स में MH1 दिल से चैनल आप सभी को देखने को मिलता था। जिनके पास MPG 4 सेट बॉक्स था उनके पास से चैनल देखने को मिलता था। वो चैनल डीडी फिटनेस के प्लेटफॉर्म पर MPG 4 सेट बॉक्स से बंद हुआ, तब जाकर MPG 4 सेट बॉक्स में एक स्लॉट खाली हुआ। फिर उसी के बाद से डीडी फिटनेस के प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं MPG 2 सेट बॉक्स में MH1 दिल से जो चैनल से उसने अपना स्लॉट्स को MPG 4 से ड्रॉप करके कहीं ना कहीं MPG 2 सेट बॉक्स में शिफ्ट होने की तैयारी बना रहा है। जी हाँ बिल्कुल, ये जो चैनल से कहीं ना कहीं डीडी फिटनेस के MPG 2 यूजर्स के लिए लॉन्च होना चाहता है, इसलिए उसने अपना जो MPG 4 सेट बॉक्स में जो चैनल से वो चैनल वहाँ से हटा दिया। उसके बाद अगर नाम आता है हमारे लिए भारत एक्सप्रेस, जी हाँ अभी हाल ही में लॉन्च हुआ, इसके पहले ही ऑप्शन में ये चैनल ने पार्टिसिपेट किया था पर इसने बिट नहीं लगा पाई अच्छी खासी। तो इसके पास एक और मौका है डीडी फिटनेस के प्लेटफॉर्म पर अपनी हाइप बनाने के लिए और डीडी फिटनेस के प्लेटफॉर्म पर चैनल अपने रंग रूप दिखाने के लिए। और बात करते हैं और कोई चैनल्स के बारे में, जैसे कि कलर्स हो गया, जैसे कि स्टाउस, GN मॉल, सोनीपल, ये सभी चैनल्स आएंगे या नहीं। अभी कलर्स डीडी फिटनेस के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है तो इन चैनलों के बारे में, इन चैनलों के मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि ये चैनल अच्छी खासी TRP गेन कर रहा है और हमारा जो चैनल्स जैसे कि स्टार, GN मॉल, ये जो चैनल्स हैं इसकी TRP कम हो रही है। तो ऐसे में ये भी चैनल्स कहीं ना कहीं डीडी फिटनेस के प्लेटफॉर्म पर पार्टिसिपेट करने की उम्मीद जो है वो ना के बराबर है पर कर सकते हैं। एनुअल ऑक्शन में कहीं ना कहीं ये चैनल 100% पार्टिसिपेट करेंगे, पर इस ऑक्शन में तो इनका कोई अभी तक नाम जो है वो सामने निकल कर नहीं आया है। जो जो मैंने आप सभी का चैनल का नाम बताया यही है। अगर बात करते हैं MPG 4 सेट टॉप बॉक्स में कौन चैनल आने वाला है, तो MPG 4 सेट टॉप बॉक्स में आप कोई भी रीजनल चैनल्स को देख सकते हैं या अथवा कोई भी क्षेत्रीय न्यूज चैनल्स या आप सभी के लिए भक्ति के चैनल्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि दिव्या टीवी हो गया। ये सभी चैनल्स जो कि भक्ति के हैं, देखे जाने वाले चैनल्स हैं, डीडी फिटनेस के MPG 4 सेट टॉप बॉक्स में आ सकते हैं। फिलहाल मैं इस चैनल को मैं आपको बताना चाहूँगा कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आई है, ये सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा आप सभी को मॉर्निंग अपडेट और एकदम सटीक अपडेट होती है जो कि मैंने आपको बता दी। कैसा है, कौन सा चैनल आना चाहिए, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है सभी चैनल्स के लिए, सभी TV चैनल देखने के वाले दर्शकों के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।